जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो छोटी बने। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ अपने दांतों को, और जो ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगी रह जाती है उससे सर्कुलर मोशंस में अपने लिप्स की मसाज करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी डेड स्किन उतर जाती है, आपके लिप्स जो ड्राई होते हैं, पैची हुए होते हैं, वो सारे सेट हो जाते हैं और आपके लिप्स पिंक पिंक भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया, ओके करें। उसके बाद है गार्नियर का, मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। इसको मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी इससे, और जो मैंने आप लोगों को प्रेशर पॉइंट्स बताए थे उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करूँगी। एक और बात कि हमने स्क्रब रात को यूज़ नहीं करना, क्योंकि रात को स्क्रबिंग हम करेंगे तो हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, जो हमें नहीं करने पोर्स ओपन, क्योंकि हम लोगों ने नाइट क्रीम लगानी होती है, नाइट क्रीम हमारे पोर्स में चली जाएगी और हमारे स्किन को डैमेज करेगी। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ब्रशिंग, सेकंड स्टेप हो गया फेस वॉश। ठीक हो गया, फेस वॉश यूज़ करने के बाद हमने टॉवल यूज़ नहीं करना, क्योंकि टॉवल भी हमारी स्किन को मतलब रैश पैदा कर सकता है हमारी स्किन पे, क्योंकि अगर सॉफ्ट टॉवल ना हो, कुछ भी हो, टॉवल पे कुछ लगा हो जाए, डस्ट पार्टिकल्स लगे हो जाए, तो हमारी स्किन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि टिश्यू पेपर यूज़ करें, टिश्यू पेपर को भी रगड़ना नहीं है, डैम्प कर करके आप लोगों ने अपना फेस को साफ़ करना है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद जब साफ़ हो जाएगा, हमने स्पाइना बॉटल का विटामिन सी एंड ई सीरम यूज़ करती हूँ। 4 ड्रॉप्स हाथों पे लिए, इस तरह का इसका पंप आता है, 4 ड्रॉप्स लिए और हाथ पे रखे, टैप टैप किया पूरे फेस पे, गर्दन पे, पीछे और अपने हाथों पे वही हाथ लगा दिए। ठीक हो गया, ये जल्दी से ड्राई हो जाता है, मेरे ख्याल 20-30 सेकेंड्स में ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने का वेट करना है, जब अच्छी तरह ड्राई हो गया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया आपकी स्किन में, अब आ जाती है नाइट क्रीम की बारी। नाइट क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, एक तो फेयर एंड पिंक यूज़ करती हूँ और एक यूज़ करती हूँ एवेंटॉन सी। ठीक हो गया, इसकी मैं पिक्चर आपको पोस्ट कर दूँगी। एक दिन ये यूज़ करती हूँ और एक दिन ये यूज़ करती हूँ, मतलब रेगुलर ये भी यूज़ नहीं करती, रेगुलर ये भी यूज़ नहीं करती। एक दिन ये यूज़ और कुछ लोग कर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम लगा लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, उनको लगता है कि असर ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोगों ने थोड़ी सी अमाउंट में लेनी है नाइट क्रीम और अपने पूरे फेस पे लगा देनी है। ठीक हो गया, थोड़ी सी अमाउंट की भी वही असर करेगी जो आप लोग ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे, इससे बस ये होगा कि आप लोग की नाइट क्रीम जल्दी ख़त्म हो जाएगी और ख़र्चा ज़्यादा होगा। अच्छा जी, और जो ये वाली क्रीम है दूसरी एवेंटॉन सी, जिन जिन लड़कियों के छाइयां हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है एवेंटॉन सी। जहाँ जहाँ छाइयां हैं, पिगमेंटेशंस है, कहीं से कलर डल है, कहीं से वाइट है, कहीं से ब्लैक है, वो ये यूज़ करें तो आप लोग की पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगी ये वाली क्रीम। ठीक है, इसका नाम है एवेंटॉन सी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है पिंपल्स की बारी। काफ़ी लड़कियों को पिंपल्स का इशू है, पिंपल्स जब मेरा निकलने लगता है, मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, जब मेरा पिंपल निकलने लगता है रात को लगा कर सोती हूँ, मतलब कहीं रेडनेस शुरू हो गई, कहीं दर्द शुरू हो गया, मेरे नाक पे मोस्टली पिंपल यहाँ पे बनता है, तो मैं करती हूँ जब मुझे पता चलता है निकलने लगा है, थोड़ी सी ये जेल लेती हूँ, एक्डर्मिन जेल है, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, और नाक पे रख देती हूँ, टैप 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 टैप, हल्का सा सर्कुलर मोशंस में ही रब करूँगी, दैट्स इट। ठीक हो गया, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ऑप्शनल है, ये है स्पाइना बॉटल का लैश आउट सीरम। मेरी लैशेस बिल्कुल नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि इसका भी ऐसा पंप आता है, एक ड्रॉप ही एनफ होता है, एक ड्रॉप यूँ लिया, उसके बाद हाथ पे रख के थोड़ा सा इस ऑयल को गर्म किया, ठीक हो गया, और लैशेस पे मसाज कर ली और सो गए। ये है मेरी नाइट केयर रूटीन, जिस जिसको पसंद आई है कमेंट करें, और मतलब ये बहुत अच्छी नाइट रूटीन है, मैं इसको फॉलो करती हूँ और आप लोग भी करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोग कैसी लगी, और बस ओके, अल्लाह हाफिज़।